कहले जत विभीषण जी आसुंच राम भगवान कौन कले ना उपर को आज्ञा उपर को अनैले जदुमणि महापात्र कहले शोभा सलिले नीलमणि नाम शोभा कहले सौंदर्य सलिल कहले जल ए सौंदर्य रूपक जल रे गोटाए नीलिया नौका खेलिला नीलमणि नाम किए ना राम भगवान शरीर है नीलमणि रूपक नौका कहले नीलमणि रूपक नौका रे शोभा रूपक समुद्र रे सौंदर्य रूपक जल रे ये नीलमणि नौकाटा खेला कला राम भगवान जो आकाश को नहीं डाकिले आस 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 डाकिले विभीषण को कहले बढ़िला दाढ़ी मुख शोभा बढ़ीमा कहले राम मुखर दाढ़ी जीमती चंद्र को चंद्रिका बेढ़ी थाए ठीक सेमती मुख चंद्र को राम दाढ़ी रूपक चंद्रिका बेढ़ी कर सुंदर देखा गला पाइले प्रमाण रामंकर दाढ़ी ठीक सेमती कान बाटे छुआ जन्म हला कि खाई गर्भ होची पर्वत रु केमती पुओ जन्म हला प्रमाण कथा थाउ ताहा ही पल्ला वास्तव चित्र को जदि लोकलोचन को आनी परबा काई पल्ला गई वास्तव चित्र कौन कान बाटे पुओ जन्म होइनी आउ गोटाए कथा फिटेबा कान बाटे पुओ जन्म होइनी आपणकर कन्या बेले पुओटा जन्म हला बोली ता ना करनो बेदरे गोटाए मंत्र सृष्टि हिचि मंदोदरी पाखरु कथा फिटौछ हां कहले बेदरे गोटाए मंत्र सृष्टि हिचि मंदोदरी पाखरु मंदोदरी पुओ किए अंगत अंगत होइसेति था मंदोदरी पुओ अंगत अंगत रावण ता बापा नो बाळी हला ता बापा बाळी होचि ता बापा की ओलटा कथा आपण कहो ओलटा नो एटा सत्य मन को पाउनी एटा मंदोदरी केते बेले जन्म कला ता अविवाहि बेले अंगत को जन्म करिछि से अनेक कथा से दिन ठू विवाह बेतिर गोटाए कर्म सृष्टि हला आमे विवाह दउचे पुओ विवाह दउचे झियो विवाह दउचे किंतु कर्म विषय रे पर्यंत आमे अज्ञ आमे जानिने ए मंदोदरी जते बेले पुओटा जन्म करी तारा हाथ रे टेकी देला अविवाहि बेलर पुओ अंगद को अंगद तारा गर्भ रु जन्म अंगद जन्म होइचे मंदोदरी गर्भ रु से दिन सिंधुटे गला बेल को अनेक कथा बाकी अछि कहिले कथा एठी रहिबो से दिन समुद्र को जते बेले अष्टवीर गले के कहला मो 10 जन जीवी के कहला 20 जन जीवी अंगद कहला मो जीवी जे फेरि आसी परबिनि फिर तू पळैबु बेलेश्वर पटना को पाला गाइबा को पळै जाइलु सात पडारु गला बेल को काई जाई परबिनु सर मोर कारण अछि कारण अलंकार मो मा अछि एठी अंगद सेठी पै मना कर देला कहला हे हनु अरे मु जाई परबि किंतु फेरि परबिनि मो माटा परा सेठी अछि जन्म बेलरु मो मा मते देखिनि के मु ताकु देखिनि मा को देखि देले मा स्नेह बांधि देबो मा पणत कानि के भुलि परबिनि रे मु रहि जबि सेठी सेठी पै अंगद मना कर देला सेठी की बेलु आइया विवाह बेदिरे गोटाए मंत्र सृष्टि हला मंदोदरी जते बेले रावण को विवाह कला पितामह ब्रह्मा से मंत्रटा सृष्टि कले विवाह बेदिरी आमे करूचे किंतु जानिनि ता ना हला तिल कांचन प्रायश्चित कर्म हाथ गंठी पड़ा पूर्व पुरोहित कहे कहे सुना टिके दान कर आम कह सुना ना आम जानुचे ना फाणुचे कर्म विषय आम कह सुना ना ना हजार दि ना ना हजार ना पांच नि पांच टाँह दबा नना कर्म करी ता ना हला तिल कांचन प्रायश्चित कर्म से कर्मर मान ये कर्म ना पुआ बहुत हाथ गंठी पड़बन हाथ गंठी पड़बन से कर्मर मान है पुओ अविवाहि बेले दोष कर झीओ अविवाहि बेले चरित्र नष्ट कर प्रायश्चित कले प्रायश्चित कले पाप कले प्रायश्चित अच्छी से प्रायश्चित करने हाथ गंठी पड़ नईले हाथ गंठी पड़बन प्रत्येक रास्ता अच्छी ये पाप कला उधार हवापाई रास्ता अच्छी किंतु आम खोजिले हेला ये कथा हला ठीक से हनुमान जी किमिति खाइदेले अंजना मा गर्भरे रहिला जोटा जीवा पाकस्थल की जराय पथ दे आसले संतान सृष्टि किंतु पुराण किमिति कहिदेला आम विश्वास करिबा ना कथा इति थाउ पर्वत रु किमिति झियो जन्म हला से माँ पार्वती पितामह ब्रह्मा कहिले हे देवमंडली से सत्याजी पार्वती रूप में जन्म होइछि हिमालय घरे जन्म हबारु आज करिछि कौन से सती जोया विजया दी जन सखी की नहीं
भगवान शिवंकर सेवा करुछंती। प्रथम सर्ग शेष श्लोक कवि कालिदास कहले रवि चित्त बलि पुष्पावेदी समारक दक्षिणा पितामह ब्रह्मा कहले कहले हे देवमंडली कथाटा अच्छे कौटी ना कहीं आज देख सती सेवा करुछंती सेवा करुछंती ना प्रथम सर्ग शेष श्लोक कवि कालिदास कहले कहले रवि चित्त बलि पुष्पा वेदी समारक दक्षा भगवान शंकर जो वेदी उपर तपस्या करुछंती माँ पार्वती सबुदिन सकालु जया विजया को नहीं आसुछंती आसिला आसिला परे वेदी चारिपट टिके उड़ौछंती वेदी समारक दक्षा नियम विधि जलानंग कहले नियम विधि ही जलानंग कहले कुंभ रे माटी पात्र रे गंगा कूल रु पानी माठिया आने थोई दौर फूल होम पाई काठ सब संग्रह कर जथा जगह थोई दौला माँ पार्वती की जिते बड़े परिश्रम जिन गुडा जोगलाश्रम हो नियमित परीक्षा तस्थिर चंद्रपा दे भगवान शंकर मस्तक अच्छा चंद्र ये भगवान शंकर आखि बुझी तपस्या कर आखि बुझी तपस्या कला बेले शंकर भगवान आगे बस पड़ चंद्र किरण टा पार्वती देह प्रतिफलित हो चंद्र किरण प्रतिफलित हवा द्वारा पार्वती शरीर रु श्रम झाला गुड़ाक सब मरी जाए सब दूर ही जाए माँ पार्वती परवर्ती पर्याय रे जया विजया सखी की नहीं यात्रा करती छिया पुटा जन्म हब ये छुहरे छु क्षीर खाइब तेज तारी हाथ में तार कमर पितामह ब्रह्मा कहीदेले पड़े चलीगला आज्ञा देवता भितर आंदोलन चलला कहला ये तो बड़ जटिल कथा ये शंकर अग्रसर पार्वती गर्भाधान हे ये पुणी छ मुंडिया पुटे जन्म हम ये छ मुहरे छ माँ कटू क्षीर खाइब तारी हाथ में तरक मर अरे जटिल देवता भितर गोटे आंदोलन सृष्टि ये कि असुविधा कथा ये तो असंभव ये तो असंभव कदापि संभव नुहे कहीं जोगजुक्त जया भर्ता जड़े जोगी की आज जड़े जोगी जड़े कामना शून्य आउ जड़े अहंकार शून्य या भितर संजोग संभव किमी हम ये जोगी हृदय तो पुणी काम भाव स्थान पाइले संभव हम ना
असंभव शिवंक देह काम भव सृष्टि हम ना से पार्वती गर्भर रेत क्षेपण करे ना ये पु जन्म हम ना छ मां क्षीर खाइब राक्षस मर समस्ते युक्ति तर्क कर पार्टी तुंड कर गाँव में जने जने था प्रत्येक गाँव में था बेसी बकर बकर हेनी भड़ भड़ हेनी पदी कथा कहे न्याय संगत हो ठीक सेमती समस्ते से कथा को माने नहीं कह ना यारे हे कथा ठीक से या समस्ते माने नहीं प्रेक्षी से दिन देवता मान भितर जड़े किए थी कहे कहीं हवानी निश्चय हब ना निश्चय हब कह बड़ बाग्नि जले ना कि ये समुद्र ना हूँ बड़ बाग्नि समुद्र भितर पा महजूद थे भी ता भर अग्निर सत्ता अच्छी पानी जेते गहिरिया हो पानी जेते सुओ हो किंतु जेते गहिरिया हेले भी ता भितरे सुओ थिबो निश्चय सुओ थिबो पथर देहरे भी घास कणीबो गोटाए लोकर को अंतर को कोण अनुकोण रे तार टिकाए काम भाव भी थिबो किंतु से काम भावटा को आमे चिन्हिक जाग्रत करवा दरकार जड़े जो कथा कही दे इंद्र पाईगले बाटा पाईगले जो इंद्र बाउला होते किमी शिव को आम पार्वती प्रति आकृष्ट करवा से इंद्र पाईगले बाट कहले तत्र निश्चित चकंदर मगमत पाक शासन मन साकार जो संसिधि ये तोरा दिगुण रहंसा निश्चित स्थिर कर देवराजेन्द्र मगमत पाक शासन देवराजेन्द्र कहले मनसा कार्य संसिधि निज मन उद्देश्य पूर्ण हम बोली चिंता करी तोरा दिगुण रहंसा बहुत खुशी हो गले देवराज कहले अरे हे ये काम किए कर ना कंदर्प कर कंदर्प कर स्मरण कले भगवान कंदर्प कंदर्प को स्मरण कले चली आसिले कंदर्प कंदर्प केमी आसुचंती आसिले कवि कालिदास लिखिले श्लोक कंदर्प केमी आसुचंती कई शुण श्लोक जदि भूल मत कह उठौच श्लोक कंदर्प केमी आसुचंती कुमार संभव महानाटक द्वितीय स्वर्ग चली द्वितीय स्वर्गर शेष श्लोक ओटा बही देख कदापि भूल कह कंदर्प केमी आसुची कले अथ स ललित दशित भ्रूलता चारु संगं रत बलय पदांके चाप मासज्य कंठे सहचर मधुहस्त न्यस्त चूतंकुरास्त्र शतमुख मुपतस्थे प्राञ्जलि पुष्पधन्व आसुचंती कंदर्प कंदर्प किमिति आसिले किमिति कंदर्प हाँ, अथ स ललित जोशी अथ तापरे स कहले से ही ललित जोशी जोसा कहले स्त्री स्त्री मानकर भ्रूलता गुड़ाक देखा को भारी सुंदर कहले सुंदर स्त्री मानकर भ्रूलता भूलिया कंदर्प गोटाए थनु बा कांधे लंबे पकई गोटाए थनु भ्रूलता चारु सुंगी रत बल पदांगे निजर स्त्री है रती क्या हो पकईरपरी सर कांधेर पड़ी धनु पहुंचला इंद्र सभारे इंद्र सभा पहुंचला प्राजलि पुष्प धनुआ देवराज इंद्र को प्रणाम करांजलि पुष्प हे देवराज मो प्रणाम ग्रहण कर सरला द्वितीय स्वर्ग तृतीय स्वर्ग आरंभ ये कंदर्प कह
कला हे भगवान अज्ञात यज्ञात विशेष पुंसं लोकेषु जत करणीयमस्ति अनुग्रह संस्मरण प्रपृतमिच्छामि संवर्धित माज्ञयते कले कोके कोले पु गोटि के परीक्षा करिबा आज देखिबा जो रास्ता रे जीव जीवा पै प्रस्तुत कले अज्ञापेय ज्ञात ह विशेष पुंसं अज्ञापेय पंदरपु पचारी देले कले हे भगवान अज्ञापेय आपण मते काहे के डाकिले मु अज्ञात अछि मु जानिनी आपण मते डाकिले मु आसुछि किंतु आपण को डाकिबार अभिप्रायटा मु जानिनी मु जानिनी आपण काहे के डाकिले ज्ञात मते कहंतु मते कहंतु मु आपनकर की प्रकार उपकार करि परि लोके सोचत करणीय मस्ति हि जत करणीय चाहा मु कोरि पारिबी सेई भलिया कथा कहंतु मु आपनको कथा निश्चय रखिबी निश्चय पालिबी कंदर्प एतले इति की कहिले एठे देवराज इंद्र कहिले कहले हे कंदर्प मु तते काहे डाकिले कि अरे दुर्जय दानव कबले मोरा पीड़ित पुचित करी देव महेश्वर कहले हे भगवान मु तुमको काहे के डाकिली काहे के मु यही थी पै तुमको डाकिली और भाई जा द्वारा लोके सोचत करणे मते तमे लोक मानन कर उपकार करियो दुर्जय दानव तारका सुर अत्याचार रे आज स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुर कंपु थिला बेले ये देवता माने तार सेवा करुचंती तमको गोटाए विशेष गुरुदायित्व दिया जिवो ना कौन से दायित्व ना तपो चित्त करी देव महेश्वरी भगवान शंकर को तमे तपस्यारु आज तपस्यारु मुक्ति करी तपस्यारु को तंकर बंद करी जो पार्वती तंकर सेवा करुचंती से पार्वती को प्रति तंको आकृष्ट करैबो आकृष्ट करैले पार्वती को गर्भ रु पोटा जन्म हबो छ मुंडिया पोटा जन्म हबो छ मुहरे छ मानको तो खिर खाइबो तेबे तारी हाथ रे तारका मरिबो सेई थी पई आमे आपन को डाकिलु आपन कोन करिवे ना भगवान शंकर को तपस्या रु चित्त करी पार्वती को के आकृष्ट करिवे ए कामटा तमरो आपन को दायित्व सुने देला कंदर बाबू यही कथा अरे यही कथा पई का आपन इते परिश्रम करी मते डाकिले नाही 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 मु निश्चय करिवि गोटाए पद उठौच बाकी बोध हुई बही तमे पाइथिबो कि ना मु कहि परिबिनि बोधे पाइथिबो कि नाही मु जानिनि किंतु द्वितीय भंज गोलक चंद्र प्रधानकर बही हैला इंदुरेखा पाइथिबो कि ना मु जानिनि किंतु इंदुरेखार बास्तरी तम छंदर 14 पद उठैली आमो गाडे एमके नाही ये पद भी तुम कान शुणी थे ना मुझे पारि शुण आज उठाऊ बही उ खाई बहुत परिश्रम कर लिखिले द्वितीय भंज गोलक प्रधान कंदर्प कहला राग पुराणी अरे धनु चाप मृणाल सारा
सुनी बासी कारण चाप मृणाल गुण मत भृंगमाल पंच कुसुम सुमन सर